हेलो गाइस, इस टाइम रात के 11:30 बज चुके हैं और हम खड़े हैं कश्मीरी गेट बस स्टैंड के बाहर। और इस कड़ाके की ठंड में मैं इतने कपड़े पहनने के बाद भी ठिरक रहा हूँ और कुछ लोग यहाँ छोटी छोटी पन्नियों पे सो रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भैया डरिए मत, आप लोगों की मदद करने आए हैं, 2 मिनट बात करना चाहता हूँ आपसे। बोलो। आप इस ठंड में इस पतले से चादर इस मतलब कट्टे पे सो रहे हो, ठंड नहीं लगती भी आपको? नहीं लगता तो है। तो मतलब ये कैसे सो पाते हो आप इस पर? कम्बल अभी खरीदे भी नहीं है और ये है पतला सा और के सो रहे हैं। अच्छा, अभी खरीदे नहीं है कम्बल? मजबूरी, समय काट रहे हैं। नहीं भैया, मतलब आप कपड़ा है आपके पास ओढ़ने के लिए? ये पतली सी परेशान नहीं होते इन चीज़ों पर सोकर? क्या करेंगे तो फिर, बिहार से आए हुए कमाने के लिए तो क्या करेंगे, कुछ काम धंधा मिल नहीं रहा है। पहले यहाँ काम करते थे, चौकीदारी करते थे, छूट गया तो इसलिए आप लोग यहाँ अपनी रात बिता रहे हैं? हाँ, कारण क्या, अभी रैन बसेरे बनी नहीं है। अच्छा, तो इसलिए सड़क पर सोना पड़ा। ऐसे आप क्या करते हो बाबा? पहले भाई ये ठेले में धक्का उक्का लगा लेता हूँ। अच्छा, ठेले में 40-50 रुपये कमा लेता हूँ। खाना खा रखा है आज आपने? हाँ खा रखा। खाना खा रखा है? भूख तो नहीं है? नहीं। तो हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, आपका बिस्तर तैयार कर देते हैं, आप आराम से उस पर सो। आराम से लेट लो। माफी चाहूंगा, आपकी नींद खराब कर दी मैंने। धन्यवाद, आपका बड़ी मेहरबानी आपकी। लेट जाओ बाबा आराम से। अब बाबा आप आराम से सो पाओगे। भूख लगी है थोड़ी बहुत, कुछ दिलवा मंगवा दे। अभी रखा हुआ है अगर कुछ खाने के लिए दे दे। खाने ये आपके लिए नमक पा रहे हैं जो आप आराम से रात को भूख लगे तो आप खा सकते हैं। जब भी भूख लगे अपना आराम से खा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपकी मेहरबानी से आपको रोजी रोजगार में बरकत मिले। अच्छा बाबा चलते हैं, आप आराम से सो। हेलो गाइस, माय नेम इज सार्थक। दोस्तों हम इस वीडियो को कितना आराम से अपने घर में बैठकर देख रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात को सड़क पर सोते हैं। ना जाने क्यों सरकार उन पर ध्यान नहीं देती, लेकिन हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उन्हें कुछ नए कपड़े ही दें। अगर हमारे घर में 4-5 साल पुराने कुछ ना कुछ कपड़े पड़े ही रहते हैं जिन्हें हम ऐसे ही इधर उधर फेंक देते हैं, एटलीस्ट ऐसे कपड़े उन्हें दें, इससे उनकी जिंदगी कुछ सरल हो सकेगी। दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारा काम पसंद आया होगा, और अगर आप हमें कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें तो उसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप हमें वहां से डायरेक्ट सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।